सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है उपचुनावों के जो रुझान आ रहे हैं सामने, उसमें महागठबंधन को झटका है, आरजेडी को बड़ा झटका है, और जिस तरह के वहां के आंकड़े हैं बहुत पसंद नहीं आएंगे इस समय। तेजस्वी आगे है, बेलागंज और रामगढ़ में भी सोचिए आप पीछे चल रही है, माना जा रहा था कि बेलागंज में हो सकता है जन सुराज पार्टी कुछ करे, क्योंकि वहां पर जैसा पहली बार वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ, कई लोग मान रहे थे। मुझे लगता है कि छोटा छोटा कमेंट तीती लाइन का संजय जी आपसे शुरू करते हुए, यहाँ पर भी ओवरऑल 128 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, बहुत डिसिसिव बढ़त है, मुझे लगता है इस तरह के अनुमान तो किसी ने नहीं लगाए थे। ये जरूर है एकाध सर्वेज ने कहे थे कि महायुति गठबंधन जो है वो 200 का आंकड़ा पार कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का प्रदर्शन देखने की बात है। 149-150 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इस वक्त अगर 128 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं, तो जिस बात की चर्चा हम बराबर करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट, आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, और निश्चित रूप से जबरदस्त प्रदर्शन है। शिवसेना का प्रदर्शन भी आप देख लीजिए, 53 सीटें हैं, तो बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है महायुति। नहीं, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में बहुत ही खराब था, और आपने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 9 पे जीते थे, और अगर आज 152 पे आप लड़ रहे हैं और 129 जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। और इसमें तो कोई दोराय है ही, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति ने जो परफॉर्मेंस किया है वो अनइमेजिनेबल है, अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक मैंडेट है। एक अगला सवाल आपसे छोटा सा, वो ये है कि क्या संजय राउत की बयानबाजी को, मतलब अब तो प्रश्न ये है ना कि हम कब तक ऐसे खड़े करेंगे, क्योंकि आपको कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि अगर साहिल और आशुतोष को भी लग रहा है कि महायुति जीत रही है, बहुत अच्छी बात है। लोग अगर ये सोचते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी साबित होती है कि हम जो कहते हैं कि लोग सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे अधिक मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई, केशव प्रसाद मौर्य सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। उपचुनाव, मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, वो पीडीए के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्या करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। गलती से सीखने वाली जो बात होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, अब कुंदरकी सीट देखिए, वहां पर सभी मुस्लिम कैंडिडेट्स अलग अलग, चाहे निर्दलीय हो चाहे समाजवादी पार्टी से हो, उसमें बीजेपी के रामवीर सिंह जो है वो 33,791 वोटों से लीड कर रहे हैं। ये अपने आप में साफ इशारा करता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर कास्ट समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने मेहनत की है। उत्तर प्रदेश में जो उनका हाथ जला है पिछले चुनाव में लोकसभा में, वहां से काफी आगे बीजेपी बढ़ी है। जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि देखिए संजय राउत का ये कहना, हालांकि मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हम ह्यूमिलिटी के साथ सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि जो वर्डिक्ट है हम स्वीकार रहे हैं, एक जगह खुशी है एक जगह गम। बट एक 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 बात देखिए, ये फर्क तो करना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स एनालिस्ट से पत्रकार के बीच का फर्क तो स्पष्ट होगा। एक राजनीतिक पार्टी का नेता और एक पार्टी ये कह सकती कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया, लेकिन एक पत्रकार ये नहीं कह सकता। मैं तभी इस बात को मानूंगा जब मेरे पास सबूत होगा, मेरे पास कोई सबूत, और मैंने कभी इस बात को सही नहीं माना कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता जाता है। अगर ऐसा है तो फिर सारी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप चुनाव हारने के बाद आप ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो फिर अगला चुनाव क्यों लड़ते हैं? उस लॉजिक से तो आपको अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होगी और आप फिर चुनाव हारेंगे। चुनाव हारने के लड़ते हैं के पास चलेंगे, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने रांची वाले हमारे शो में एकदम दमखम के साथ हेमंत सोरेन को डिफेंड किया था। सुप्रिया जी, छोटा सा रिएक्शन। मुझे लगता है झारखंड की जनता ने यह साबित किया है कि आप अपनी एजेंसीज के दुरुपयोग करके, एक मुख्यमंत्री की अवहेलना करके, उनको जेल में डालकर, ये सारी चीजें नहीं चलती है। मुझे लगता है झारखंड की जनता ने जो हमारी जनकल्याण योजनाएं थी, हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ जो हुआ, उस सब चीजों पर एक मैंडेट दिया और उसको नकारा नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डिसअपॉइंटिंग था। क्या मुद्दे खत्म हो जाते हैं जो हमने रेज किए? बिल्कुल खत्म नहीं होते, और हम इससे सीख लेकर उन मुद्दों को और प्रखरता से रेज करेंगे। चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया पर आशुतोष जी जो कह रहे थे, उस पर दो लाइन का रिएक्शन। क्या चाहिए सुना देते हैं आपको। देवेंद्र फडणवीस को उनकी मां बधाई दे रही है फोन पर, आइए सुना देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जश्न की तस्वीरें, साथ में देवेंद्र फडणवीस, क्या वो महाराष्ट्र के एक बार फिर अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन फिर वो शपथ लेते हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, और उस समय से ये देखना था सबको कि आगे अगर जीत होती है तो क्या होता है। बनते हैं मां से बातचीत उनकी हो रही है देवेंद्र। ये तो संध्या तो आता इकड़ सगळं निघतो तो हमें येतो हम इकड़ होतो तो यस यस चला धन्यवाद आशीर्वाद दे तुझे। हेलो हेलो ये तो संध्या येतो आता इकड़ सगळं निघतो तो हमें येतो हम इकड़ होतो तो यस यस चला धन्यवाद आशीर्वाद दे तुझे। हेलो तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं और पहली बार पिछले 5 साल में वो पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 23 नवंबर 2019 को मैंने ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत देखी थी जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से आज मैं ये देख रहा हूं कि भाई ये चेंज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ भी मान लीजिए आप, 2022 में फैसला पार्टी का उन्होंने एक्सेप्ट तो जरूर किया था लेकिन पसंद उनको जरूर नहीं आया था। कोई भी मुख्यमंत्री बनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो तैयार नहीं होगा, उन्होंने एक्सेप्ट जरूर कर लिया था और आज की स्थिति में वो इस पोजीशन में जरूर है कि मुख्यमंत्री पद पर दावा हो सकता है बीजेपी का, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। चलिए उस स्थिति में जबकि मैंडेट बहुत बड़ा उन्हीं के चेहरे पर आया था, पिछली बार भी मैंडेट उन्हीं के चेहरे पर आया था और इस बार भी वो सबसे बड़े नेता हुआ करके आए। चुनावों पर भी पूरे देश की नजर है तो समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और समर, जिस तरह से जातीय समीकरण टिकट बंटवारे में बीजेपी ने साधा, उधर पीडीए वाले फॉर्मूले को डिफीट करने की उनकी कोशिश थी, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा था, वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त, यहां पर समाजवादी पार्टी को झटका दिख रहा है, कई उनकी जो प्रबल सीटें थी वो उनके हाथ से फिसल रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी को झटका लगते दिख रहा है। समर्थ क्या क्या बताएंगे? अंजना, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं शॉकिंग चीज जो सपा के लिए है वो शायद कुंदरकी और मीरापुर है। ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। झारखंड की बात करीजिए, वहां से क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का क्या? अभी झारखंड का अंतिम चरण का मतगणना हो जाने दीजिए तब। तो जेएमएम की सरकार को क्या इस बार अभी अभी अंतिम चरण की मतगणना हो जाए।